हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, डिजाइन अ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम ऑफ 500 mm डाया व्हेन फैक्टर लोड 800 kN एंड फैक्टर मूवमेंट ऑफ 162.5 kNm इच अप्लाइड। प्रोवाइड होप रेनफोर्समेंट, रिफर चार्ट ऑफ d(x)/d इक्वल टू 0.1। यहाँ पे आपको कॉलम का डायमीटर दिया है 500 mm और आपको बोलता है फैक्टर्ड लोड है 800 kN का। फिर आपको फैक्टर्ड मूवमेंट दिया है 162.5 kNm का। ये आपका इस कॉलम में अप्लाई हो रहा है। हमें इस कॉलम में होप रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। और रिफर चार्ट हमें करना है d(x)/d इक्वल टू 0.1 का, यानी इन दोनों का जो रेशियो है आपका 0.1, इसको अपन को रिफर करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले आते हैं गिवन डेटा में। जो जो हमें गिवन है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला चीज़ है आपके पास डायमीटर ऑफ कॉलम 500 mm दिया है। फिर आपके पास है फैक्टर लोड PU इक्वल टू 800 kN। फिर हमें दिया है फैक्टर मोमेंट MU इक्वल टू 162.5 kNm। अब हमें क्या करना है, एज्यूम करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट नहीं दिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, इसलिए जो FCK की वैल्यू होगी वह 20 Nm/mm² होगी। और ग्रेड ऑफ स्टील हम एज्यूम करते हैं Fe415, इसलिए जो FY की वैल्यू होगी वो 415 Nm/mm² में होगी। अब देखिए MU/FCK × B × d², इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपका B दिया हुआ है, चूंकि इस केस में यहाँ पे आपको क्या है, कॉलम सर्कुलर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको B के जगह क्या लेना पड़ेगा, D लेना पड़ेगा, जो कि डायमीटर है कॉलम का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी फार्मूला को MU/FCK × d³। अब देखिए MU की जो वैल्यू है 62.5 × 10⁶ Nm में हमने कर लिया है, अपॉन में FCK की वैल्यू 20 × d³ की वैल्यू 500 और उसका क्यूब। जब हम इसको कैल्सियम में सॉल्व करते हैं तो 0.065 ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू का हम यूज करेंगे SP16 चार्ट में। अब हमें निकालना है PU/FCK × B × d। तो ये भी फॉर्मूला आपका क्या होगा, PU/FCK × d² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B के जगह हम D का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम हमारा सर्कुलर है। अब देखिए यहाँ पे PU की वैल्यू हमें दी है 800 × 10³, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए जो कि किलो न्यूटन में था, अपॉन में 20 × d² यानी 500 स्क्वायर। जब हम इसको कैल्सियम में सॉल्व करते हैं तो 0.16 आता है। अब आइए हम SP16 चार्ट की बात करते हैं जो कि हमें दिया है इस क्वेश्चंस में, ठीक है। d(x)/d की वैल्यू हमें 0.1 लेना है, इसको रिफर करना है, ये पहले से आपको क्वेश्चंस में कहा हुआ है। तो इसके लिए आपको लगेगा ग्रेड ऑफ स्टील जो कि FY है, 415 ग्रेड है। चार्ट जो आपका SP16 का है वो चार्ट नंबर आपका 56 को क्या करेंगे हम देखेंगे, और वे पेज नंबर आपका 141 पेज। ये आपका SP16 चार्ट है जो कि आपका चार्ट नंबर 56 है, क्योंकि सर्कुलर कॉलम हमने लिया हुआ है। हम आपको इसको दिखा रहे हैं, फिर हम इसी में आपको रीड करते हुए दिखाएंगे कैसे आपको रीड करना, कैसे आपको वैल्यू फाइंड करना परसेंटेज ऑफ स्टील बाय FCK की। देखिए आपका PU/FCK × d² की जो वैल्यू है 0.16 आई हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ले लिए ये लाइन 0.16 का। फिर आपका MU/FCK × d³ की वैल्यू जो है 0.065 है, तो हम यहाँ से इसको ले लिए जो आपको ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है। अब फर्स्ट जो कर्व है वो 0.04 का है और सेकेंड जो कर्व है आपका वो 0.06 का है, तो इन दोनों के बीच हमारा पॉइंट आ रहा है, तो हमारा इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 0.05। तो वो हम इसको लेते हैं P/FCK की वैल्यू 0.05। हम लिखते हैं फ्रॉम SP16 चार्ट से, ठीक है, वी गेट परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फॉर्मूला है P/FCK इक्वल टू 0.05 आता है। P यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील है, FCK आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है FCK, यहाँ पे आके क्या करेगा, इंटू करेगा। हम P लिखेंगे इक्वल टू 0.05 × FCK,
यानी कि 0.05 इंटू 20 यानी आपका 1%, ये आपका क्या हो गया, स्टील हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। हम फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ स्टील जो है, हमें 1% के लिए डिज़ाइन करना है, तो 1% ऑफ आपका ग्रॉस एरिया, तो आपका ग्रॉस एरिया क्या है, 1/100 इंटू आपका एजी की वैल्यू हो जाएगी π/4 इंटू 500। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1963.5 mm² होता है, ये आपका एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम एजी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एजी इक्वल टू आपका होता है π/4 इंटू 500 square। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1963.4954 mm² एजी की वैल्यू आती है। यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ बार, हमें एरिया पता चल गया कि इतना परसेंटेज ऑफ स्टील हमें प्रोवाइड करना है। अब हमको देखना है कि उस सेक्शन में हमें कितना नंबर ऑफ बार भी प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं डायमीटर, एज्यूम 20 mm डायमीटर। आप 12 mm से ऊपर का डाया आप ले सकते हैं, तो n इक्वल टू होगा यानी कि नंबर ऑफ बार इक्वल टू होगा टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन में एक बार का एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना है, 1963.5 अपॉन में एक बार का एरिया π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 6.3 नंबर आता है, कि 6.3 को आपको 7 नंबर्स लेना है। क्यों? क्योंकि 6.3 आपको तो प्रोवाइड करना ही करना है, लेकिन आप या तो 6 बार प्रोवाइड कर सकते हैं या तो आप 7th बार प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6 बार अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना आपको एरिया स्टील देना ही है, तो आपको क्या जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करेंगे, 7 बार की तरफ आप मूव करेंगे, तो n इक्वल टू आपका हो गया 7 नंबर ऑफ बार। तो हम लिख सकते हैं लेट एस प्रोवाइड 7 bars ऑफ 20 mm डायमीटर, 20 mm डायमीटर। अब हमें प्रोवाइड करना है हुप रेनफोर्समेंट, तो हुप रेनफोर्समेंट में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेटरल टाइज है यानी कि हुप रेनफोर्समेंट, इसका हम डाया सबसे पहले निकालेंगे। तो डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास दो चीज है, एक है आपका 1/4 टाइम्स ऑफ मेन डाया, यानी कि आप जितना डाया का मेन बार प्रोवाइड किए हैं उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका डायमीटर आपका बनेगा, तो आपका आता है 5 mm, ठीक है। और सेकंड नंबर इसमें आता है 6 mm, इन दोनों में जो आपकी बड़ी हो, मैक्सिमम हो, उसी को हम लेते हैं। तो डाया आपका हो गया सो टेक 6 mm, क्यों? क्योंकि 5 mm से बड़ा आपका 6 mm है। अब हम निकालते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में आपको यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, सबसे पहला आपका 500 mm, दूसरा आपका 16 टाइम ऑफ मेन डायमीटर यानी कि आपका 16 × 20 आपका आएगा 320 mm, थर्ड है आपका 48 टाइम्स ऑफ टाइज बार का डाया यानी कि 48 × 6 आपका आएगा 288 mm। अब हमें वो प्रोवाइड करने हैं जो इन तीनों में मिनिमम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम, तो मिनिमम आपका क्या है 288। तो हम क्या करेंगे, 288 तो मेज़र करना आसान नहीं है फील्ड में, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 290 mm। तो हम लिख सकते हैं टेक स्पेसिंग 290 mm प्रोवाइड, टोटल लिख सकते हैं लेट एस प्रोवाइड 6 mm डायमीटर एट द रेट 290 mm डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।